विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। राजस्थान के नीम का थाना में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में आयोजित कर लोग प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम से वर्चुअली माध्यम से जुड़े। कार्यक्रम में सांसद स्वामी सुमेधानंद सहित कई जनप्रतिनिधि और लाभार्थी शामिल हुए। इसके बाद सांसद स्वामी सुमेधानंद ने जिला स्तरीय कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन भी वितरित किए। सरकार की जो 17 योजनाएं हैं, वैसे तो बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन आम गरीब आदमी के हित में आने वाली 17 योजनाएं, उन योजनाओं को लेकर के एक रथ गांव गांव जा रहा है। उस रथ के माध्यम से गांव में जाकर के कैंप करते हैं। सुबह 10 बजे से 2 बजे तक एक गांव में और 2 से 6 बजे तक एक गांव में, ये 4-4 घंटे के कैंप होते हैं। कैंप में सभी विभागों के अधिकारी जाते हैं। अधिकारी जाकर के मौके पर जो समस्याओं का समाधान हो सकता है उनका करते हैं, योजनाओं की जानकारी देते हैं। इससे गरीब आदमी को, आम आदमी को बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। एक संदेश जा रहा है, एक मैसेज जा रहा है और प्रधानमंत्री यही चाहते हैं कि आम आदमी जिसके पास में साधन नहीं है वो योजनाओं से वंचित न रहे, उसको लाभ मिल सके। एक महत्वाकांक्षी योजना है। मैं सभी लोगों को बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आज यहाँ नीमका थाना में भी बड़ी संख्या में लोग आए हैं और इस कार्यक्रम का लाभ उठाया। मैं आभारी हूँ कि हमारे आग्रह पे माननीय सांसद साहब यहाँ पधारे हैं और आज हम सभी ने माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है विकसित भारत, जो संकल्प है विकसित भारत, यानी आजादी के 100 वर्ष जब पूरे होंगे तो हम विश्व की प्रथम श्रेणी के राष्ट्रों में खड़े हों, यही माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और उसी संकल्प की श्रृंखला में उसके क्रियान्वयन के लिए आज विकसित भारत संकल्प यात्रा जगह जगह पर, पंचायत पंचायत पर, वार्ड वार्ड पर पहुंच रही है। हमारी जिले में भी, हमारी 163 पंचायतों में ये यात्रा लगभग 70% अपनी यात्रा कंप्लीट कर चुकी है।